मैंगो को खाऊंगी क्योंकि बहुत गर्मी है। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल जेजे ब्लॉग्स एंड दिस इज़ मी जोया। तो अभी मैं लंच पका रही हूँ अपनी दीदी लोगों के लिए। तो मैंने यहाँ पे बनाया चिकन ड्राई फ्राई। तो अभी हम जा रहे हैं बहुत ही एक यूनिक वाला आइसक्रीम खाने एंड आप सबको भी दिखाने, बहुत यूनिक। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, जब ट्राई करूँगी तब आप देखिए। लेट्स गो ज्योति। तो पहले जब मैं गुवाहाटी में रहती थी तब ये मोमो वाला दुकान जो पहाड़ में लगा हुआ स्टॉल, तो यहाँ से मैं मोमो लेने को आती थी हमेशा। ये ठीक ठाक है, बाकी तो यहाँ में इतना अच्छा मोमोज नहीं मिलता, तो हमें हमेशा यहाँ पे आती थी और यहाँ से लेती थी मोमोज। दुकान दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इतना भीड़ है, लोग पूरा भीड़ होके खड़ा होके। ये देखिए, ये लक्षित नगर एरिया है। हाँ, तो अभी बहुत रश है यहाँ पे, हम लोग भी अभी चलते हैं। एक्चुअली मैं पहले हम जाएंगे ब्लू हिल काउंटर। तो हम पहले जाएंगे ब्लू हिल काउंटर क्योंकि जिस दिन मैं आ रही थी मैंने अपना एक जूता वहाँ में बस में भूल गई थी, तो हमने उधर कॉल किया एंड बोला कि मेरा जूता जो है, शूज़ जो है, एक पेयर बस मेरे पास था, एक जो वहाँ रहेगा, तो उसको हम लोग पहले लेने जाएंगे ब्लू हिल काउंटर। उसके बाद हम लोग जाएंगे वो यूनिक सा आइसक्रीम खाने है। बहुत एक्साइटेड हूँ और साथ में ज्योति को भी ले जा रही हूँ। इसका हेयर कलर जो है ना, मुझे भी बहुत कराना था इसका बट मेरा नहीं हो पाया। मैं कब कराऊँगी इसका कलर। यहाँ पे पूरा जलेबी सलेबी फ्राई हो रहा है एकदम। ज्योति आगे आगे जा रहे हैं। तो मैं आई थी ब्लू हिल काउंटर में अपना जो एक जूता है, पैर दिखा दो एक ही है उसको लेने के लिए, क्योंकि एक तो मेरे पास है और एक ये एक छूट गया था। तो अभी लेके अभी हम लोग जाएंगे नाइट्रोजन आइसक्रीम खाने फाइनली। चलो चलो लेट नहीं करते हैं, क्या पता मौसम का भी, मौसम भी बहुत बेमान है यहाँ में। सुबह को जब था तब धूप था, उसके बाद में क्या हुआ कि वो हो गया, अचानक सडनली बारिश आ गया, फिर अभी मौसम फिर ठीक हो गया, तो अभी हम लोग फिर निकले हैं। तो यहाँ में एक्चुअली एक कहानी हो गया था, पता नहीं आपको सुनाई दे रहा होगा कि नहीं। तो क्या हो गया कि एक्चुअली जहाँ भी जाने वाली थी वो एक्चुअली परमानेंटली वो हो चुका है और हम लोग घूमते घूमते मिल ही नहीं रहे हैं। हम लोग क्या हमें क्यों नहीं मिल रहे, हम लोग इतना पैदल भी चले इस पाँव में, बहुत दर्द हो गया बोर्ड होता। आ गए हैं बर्गर किंग क्योंकि मैंने बर्गर किंग कभी ट्राई नहीं किया था। मैं गुवाहाटी से जाने के बाद यहाँ में बर्गर किंग आ गया था। हाँ, तो हम लोगों का मतलब खाना नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे बंद हो गया परमानेंटली, तो इसीलिए हम लोग बर्गर किंग आए हैं बर्गर खाने। और सुना है यहाँ बहुत वैरायटीज़ का बर्गर मिलता है, तो इसीलिए हम लोग आ चुके हैं खाने। तो ये है तंदूरी बर्गर, ऐसा दिख रहा है कुछ। और ये है हमारा प्राइस। इधर देखो, सो आई एम बैक टू होम गाइज। और मैंने क्या किया था कि जाने से पहले यहाँ पे मैंने मैंगो रखा था और अभी मैं इस मैंगो को खाऊंगी क्योंकि बहुत गर्मी है। ओके बाय, गुड नाइट।